नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का वायरल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो परीक्षा है वो फरवरी में 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और पहले ही दिन 15 तारीख के दिन आपका प्रथम पाली में हिंदी का बाबू पेपर होगा और उस हिंदी के पेपर में बहुत सारे प्रश्न लड़ेगा। बस इसको आप लोग अच्छे से याद करते चलिए एक एक करके, ठीक है ना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बाबू यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में एक है, तो उनका नाम है बाबू जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवनानंद दास, आप लोग इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और दूसरा नंबर बाबू क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कवि अगले जीवन में बाबिल, कौवा, हंस, इस सभी मतलब कि बनने की आशंका व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा बाबू? डी नंबर। आप लोग आंसर याद रखना, डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो बाबू लौट कर आऊंगा फिर जो कविता है ना उसी की यह पंक्ति है, आप लोगों को याद रखना है। तीसरा का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है, तो ये बंगला भाषा के कवि है। यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा चार का सी नंबर, बंगला भाषा के कवि है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है बाबू पांच नंबर कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, तो भूमिजा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर वाला, भूमिजा जो है ना वो जीवनानंद दास की कृति नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना फाइनल परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका छह नंबर कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो बाबू नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का प्रतीक होता है, आपका छह का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सात नंबर, ये क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था और यह कथन किसका है। तो आप लोग याद रखना है कालिदास ने ही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, यह कथन कालिदास का ही है। अगला बाबू क्वेश्चन है आपका आठ नंबर कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, शमसुद्दीन, याद रखना आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन बाबू आपका है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो जो यतीन्द्र मिश्र थे ना उनका जन्म कब हुआ था तो आप लोग याद करें 1977 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी में ही भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से बहुमत मिला था, जो आपके सोशल साइंस में यह क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश अयोध्या में हुआ था, यहाँ पर 10 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा आपका मुहर्रम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मुहर्रम, ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर मिल जाएगा मुहर्रम, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है काशी किसकी पठशाला है, तो संस्कृति की पठशाला है बाबू, याद रखना है 12 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, संस्कृति की पठशाला है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे, मतलब कि बिस्मिल्लाह जो खां थे ना वो काफी दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे, तो आप लोग को याद रखना है बाबू सच्चे सूर्य की नेमत की, ठीक है ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है कमरुद्दीन का नाम किसका था, तो आप लोग को याद रखना है बिस्मिल्लाह खां का, ठीक है ना, कमरुद्दीन, ठीक है ना, याद रखना बिस्मिल्लाह खां का नाम था, ठीक है ना, याद रखना, आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काशी में मरण को भी क्या माना गया है, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है मंगल माना गया, काशी में मरण को भी मरना, वहाँ पर इसको क्या माना गया, कुशल मंगल माना गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ, ठीक है ना, याद रखना, यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पक्का महल क्या होता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है पक्का महल क्या है, तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, यहाँ पर 17 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा।
18 नंबर प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया, तो आपका 18 सही उत्तर देगा जातिवाद में। कहाँ पर लेखक को कहाँ पर विडम्बना दिखाई देता है, जातिवाद में, क्योंकि लेखक का कहना है कि जातिवाद आज भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से विकसित है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था, तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता श्री का क्या नाम था, तो इसे भीमाबाई नाम था। क्या नाम था बाबू, भीमाबाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, भीमाबाई, यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने PhD की जो उपाधि था ना वो कब धारण किया था, तो 1916 ईस्वी में इन्होंने धारण किया था, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, आंसर आ जाएगा 21 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए और ऐसे ही वायरल VVI गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर विषय का देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, और आप लोग वीडियो को पहले लाइक जरूर करना, ठीक है ना, सब लोग लाइक करना, ठीक है, एक एक लाइक कर दो, मैं पूरा आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न बता दूंगा। क्वेश्चन है आपका, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था, यहाँ पर आपका 22 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, तो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है जाति प्रथा करती है, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से क्या है बाबू, तो ये हमारा कारण बनी हुई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से कारण बनी हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, मूल नायक क्या है बाबू, मूल नायक क्या है, तो मूल नायक क्या है बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल नायक अखबार होता है ना, अखबार होता है ना, मूल नायक अखबार या फिर पत्रिका होगा बाबू, मूल नायक ये अखबार होता है ना, अखबार होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर, देखो जिसको भी डाउट होगा उस क्वेश्चन में देख लेना, बहुत लोगों का कहना है कि पत्रिका होगा लेकिन अखबार ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब कहाँ हुआ था, सॉरी जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो बाबू मऊ मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मऊ मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर देखो ए नंबर में दिया, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कार भारत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा बहिष्कार भारत, इसे आप लोग को याद रखना है, क्या आंसर हो जाएगा बहिष्कार भारत, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है, तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को ही कहा गया, इसे आप लोगों को याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो यहाँ पर 21 खंडों में, क्या होगा 21 खंडों में, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब वो 32 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है, तो श्रम विभाजन को अति आवश्यक मानता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को अति आवश्यक मानता है, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो बाबू उनके माताश्री का नाम था भीमाबाई, और उनके पिताश्री का क्या नाम था, रामजी सकपाल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, रामजी सकपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संख्यादन किया गया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था, तो फ्रांस सरकार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ देखने को मिलता है बाबू, तो हर वर्ष कहाँ पर देखने को मिलता है, रोम, कहाँ पर बाबू,
रोम नहीं नहीं अभिन्नु सॉरी 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 बच्चों, यहाँ पर क्या होगा अभिन्नु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिन्नु में किस युग के ईसाई मठ है, अभिन्नु में किस युग के ईसाई मठ है, तो मध्य युग के, ऑप्शन आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिन्नु कहाँ है, अभिन्नु कहाँ है, तो बाबू अभिन्नु फ्रांस में स्थित है ना, अभिन्नु कहाँ पर है, तो अभिन्नु दक्षिणी फ्रांस में है, अभिन्नु रूस में नहीं है, दक्षिणी फ्रांस में है, फ्रांस में, ठीक है ना, याद रखना फ्रांस में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रून नदी कहाँ है, तो ये भी बाबू आपके फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में, इसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है ना, अब चलिए बाबू अगला क्वेश्चन बता दें, ये क्वेश्चन अभिन्नु के रचनाकार कौन है, अभिन्नु जो पाठ है ना उसके रचनाकार कौन है, तो अशोक वेस्पेजी हो जाएंगे, डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा अशोक वेस्पेजी। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला आपका क्वेश्चन है कि विल्नो अभिन्नु का अर्थ है, बताइए तो विल्नो अभिन्नु का अर्थ क्या होता है, अभिन्नु का नया गाँव, अभिन्नु का नया गाँव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल शत्रुज क्या है, लाल शत्रुज क्या है बाबू, तो लाल शत्रुज आपका एक ईसाई मठ है, 42 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका सी नंबर। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध होता है, तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध होता है वेदांत दर्शन से, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 44 का बी नंबर, इसे आप लोगों को हर हालत में याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विल्नो और अभिन्नु के बीच कौन नदी है, विल्नो और अभिन्नु के बीच कौन सा नदी है, रोन नदी, और रोन नदी कहां पर है, तो दक्षिणी फ्रांस में, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है, अशोक वेस्पाई लाल शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे, तो वो दोस्तों रहे थे कितने दिनों तक रहे थे, 19 दिनों तक रहे थे, कितने दिन, 19 दिनों तक रहे थे, 19 दिनों तक। ठीक है ना, आपको याद करना है वो 19 दिनों तक रहे थे, इसे आप लोग याद कर लेना हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एकदम रट जाना बाबू, आप लोग रट जाना, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, अगले मतलब कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग नहीं किए हैं तो। ठीक है।